हेलो गाइस, और कैसे हैं आप सब लोग। सो आई होप कि आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हो और अपनी पूरी शक्ति से आप पढ़ाई कर रहे हो। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले कि यूपीएससी जो है पोस्टपोन हो चुकी है। जब इतनी बड़ी एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो चुकी है तो काफ़ी सारे बच्चों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी जब एग्ज़ाम जो है अक्टूबर और जनवरी तक, मतलब जो इसका जो मेन्स होता है ना यूपीएससी मेन्स, वो एक्चुअल में जनवरी तक पोस्टपोन हो चुका है। तो ये आर्टिकल कोई मैंने तो लिखा नहीं है, ये आर्टिकल जिसने लिखा है वो है businessstandard.com और जो है वेरीफाइड आर्टिकल है, आप इसको भी जाके पढ़ सकते हैं। तो आप कमेंट्स पे ये मत कहिए कि सर आप नेगेटिव न्यूज़ मत फैलाइए, फेक न्यूज़ मत फैलाइए, क्योंकि ये जो यूपीएससी पोस्टपोन हो चुकी है ये मैंने नहीं कराई है, ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का एक्शन है। तो देखिए, यूपीएससी जो पोस्टपोन हो चुकी है इसके पीछे रीज़न क्या दिया गया है वो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इसके पीछे जो रीज़न है वो कोरोना वायरस कंडीशन के कारण ना हो और कोई रीज़न हो। तो देखिए, जो कमीशन ने जो है जिनका स्टेटमेंट आया था, मैंने पूरा आर्टिकल एक तरफ से पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो लाइन है वो ये दो लाइन्स हैं कि द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, द डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंड द कमेंसमेंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि कितने टाइम का एग्जामिनेशन होगा, कहाँ पर होगा, किस तरह से होगा, कितने सेंटर्स बनेंगे और कितनी शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, इवनिंग शिफ्ट में होगा, किस तरह से आपको वहाँ पर व्हीकल से जाना है, कौन कौन से आपको प्रिकॉशन रखने हैं, ये सब कुछ जितने भी कंडीशन है फिर उन्होंने लिखा है कि दे आर बायस टू बी ऑल्टर्ड, मतलब कि वहाँ पर ऑल्ट्रेशन हो सकता है, हो सकता है कि वो चेंज कर दी जाए आगे आके भी। अभी ये भी डिसाइडेड नहीं है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगी कि जनवरी में एग्ज़ाम होगी यूपीएससी की। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं नीट की, कि नीट पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें यूपीएससी की एग्ज़ाम की, तो यूपीएससी जो पोस्टपोन हुआ है तो उसके पीछे रीज़न ये था कि काफ़ी दिनों पहले से जो है यूपीएससी इस तरह के नोटिफिकेशन और इस तरह की बातें कर रहा था कि हम पोस्टपोन कर सकते हैं बिल्कुल, और इसमें उनको एक तरह से आइडिया पड़ गया था जो उनके एस्पायरेंट्स है कि जो है पोस्टपोन हो सकती है यूपीएससी। पर हमारे जो एनटीए और जो नीट के केस में जो अभी बातें चल रही है, तो एनटीए ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम जो है होने वाली है। अब मैं आपको एक बात कैसे कह रहा हूँ, तो तीन जो मेन पॉइंट्स हैं आपको दिमाग में रखने हैं जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। पहला जो है एमएचआरडी का नोटिस आया था, एमएचआरडी के नोटिस में उन्होंने कहा था कि एनटीए और जो नीट की जो डेट है वो हमने अनाउंस कर दी है और जुलाई में जो है एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। फिर दूसरा हमको वेट था कि एनटीए जब नोटिस निकालेगा तब हम बोलेंगे कि एनटीए की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ चुका है तो अब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम होने वाली है। तो फिर एनटीए ने भी अपना नोटिस निकाल दिया, क्योंकि एनटीए जो है टेस्टिंग एजेंसी है, उन्होंने भी अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया। इसके बाद आप देखिए, थर्ड जो सबसे मेन पॉइंट था कि एचआरडी मिनिस्टर ने खुद ने लाइव में आके, जो आप काफ़ी सारे चैनल्स पे देख पा रहे होंगे कि बीबीसी न्यूज़ का जो अभी इंटरव्यू हुआ था ना, तो बीबीसी न्यूज़ के इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा है कि किसी भी कंडीशन में हम एग्ज़ाम कराएंगे और अगर किसी कंडीशन से जो एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने की नौबत आती है तो हम उसे पोस्टपोन करेंगे, पर ऐसा जो है चांसेस से बहुत ही कम है। अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो आप बीबीसी न्यूज़ का जो इंटरव्यू, अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे बीबीसी न्यूज़ इंटरव्यू ऑफ एचआरडी मिनिस्टर, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, उन्होंने जेईई मेंस और नीट के एस्पायरेंट्स के लिए खुद ही ये कहा था। तो ये जो है ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब नीट पोस्टपोन नहीं हो सकता और या फिर हो सकता है, मेरा वो सब कहने का इंटेंशन नहीं है। मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नीट पोस्टपोन नहीं होगा, और आप अपनी अगर पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे इस टाइम पर तो वो बेस्ट तरीका होगा आपके लिए टाइम को यूज़ करने का। और अगर आप ज़्यादा ये सब सर्च करते रहेंगे नीट वगैरह से रिलेटेड, जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है एक दो चैनल को फॉलो करिए, वो बेस्ट है, क्योंकि आप अगर ज़्यादातर न्यूज़ फॉलो करेंगे तो आपका जो है दिमाग उधर ही लगा रहेगा और किसी भी तरह से आप जो है पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल था तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि सही में आपको लगता है कि नीट पोस्टपोन हो सकती है और क्या ये सही डिसीजन रहेगा सरकार की तरफ से कि नीट पोस्टपोन कराए या फिर नहीं कराए। थैंक यू वेरी मच।